हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका mysurgery.com के इस चैनल पे और मैं हूं आपका दोस्त सौरभ शुक्ला। दोस्तों, कोरोना वायरस की ये जो महामारी फैली हुई है, पूरी दुनिया इससे डरी हुई है और इस समय इंडिया में चल रहा है लॉकडाउन, यानी लोग अपने घरों के अंदर कैद हैं और खुद ही डरे हुए हैं, खुद ही बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। और सही बात, ज़रूरी बात भी है, लेकिन इन सबके बीच में कई सारे लोग पहली बार इस तरीके से घर में कैद हुए हैं, उनको तो घर से काम करने की भी आदत नहीं है। अब सोच के देखिए कि ऐसे में इतने दिनों तक वो घर पे कैद रहेंगे तो क्या क्या ख्यालात आएंगे, अच्छा होगा उनके साथ या बुरा होगा, या मेंटली और ज़्यादा सिक हो जाएंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं कोरोना वायरस के साइड इफेक्ट्स, लेकिन वो साइड इफेक्ट्स जो पॉजिटिव हैं। अगर हम इन चीज़ों को ध्यान में रखें तो ये लॉकडाउन का पीरियड जब ख़त्म भी होगा, इस महामारी से हम बच भी जाएंगे और आगे बढ़ जाएगी हमारी ज़िंदगी, तब भी हम इन सबक से अपनी ज़िंदगी को और बेहतर कर सकते हैं। तो आज जो पॉजिटिव बात मैं बताने वाला हूं वो ये है कि हम अब रिलेशंस, जो हमारे फैमिली के साथ रिलेशन है, फ्रेंड्स के साथ रिलेशन, उस पे अब ज्यादा टाइम देने की कोशिश कर पा रहे हैं, क्योंकि अब हमारे पास टाइम है। तो हम लोगों ने जब फैमिली को टाइम दिया तो फैमिली के बीच में हमारा रिलेशन और मजबूत हुआ। हम कई चीजें जो मिस कर रहे थे अपनी लाइफ में, हमने नोटिस किया कि ओके, ये कितनी खूबसूरत चीज़ें थी जो हम नहीं देख पा रहे। हाल ही में मेरी छोटी डॉटर ने एक ड्राइंग बनाई। मैं उम्मीद नहीं कर रहा था कि वो अभी मात्र 4 साल की और वो इतनी अच्छी ड्राइंग बना सकती है। मुझे बड़ा मज़ा आया और ये चीज़ें जब आप नोटिस करते हो तो आपको एक अलग सी खुशी मिलती है। बहुत सारी छोटी छोटी बातें ऐसी हैं जो फैमिली के साथ टाइम बिताने पर होती है। कितना समय हो चुका है कि आप अपने दोस्तों के साथ बैठे हो और बढ़िया बातें कर रहे हो, सिर्फ बातें कर रहे हो और खूब हंस रहे हो। आप में से कई लोगों ने शायद इस लॉकडाउन पीरियड में किया होगा, मैंने तो किया और बहुत सारे लोगों ने आई एम श्योर किया होगा, दैट इज़ कि आप जूम कॉल कर रहे हो या स्काइप कॉल कर रहे हो और बहुत सारे आपके दोस्त हैं, सब लोग एक साथ कॉन कॉल में, एक मीटिंग में आ जाते हैं और सब लोग अपनी पुरानी बातें ताज़ा करते हैं। क्योंकि आजकल ऐसा होता ही है कि हम लोग अलग अलग सिटीज़ में हो जाते हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं लेकिन अलग अलग सिटीज़ में हैं, तो अक्सर मिल नहीं पाते हैं और सब अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं। लेकिन जब इस तरीके से बातचीत करने का मौका मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी आती है और फिर समझ में आता है कि इस रिलेशन का कितना इम्पोर्टेंस है। तो दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि ये लॉकडाउन के पीरियड में हम लोगों ने ये भी सीखा है कि ह्यूमन रिलेशनशिप को कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जा सकता है और उससे हमें कितना अच्छा फील होता है जब हम अपनी बातें शेयर करते हैं। अच्छी बुरी कड़वाहट भी ख़त्म होती है और कुछ पॉजिटिव एनर्जी भी आती है, इंस्पिरेशन भी मिलती है, हम दूसरे के काम को भी पसंद करते हैं। और देखिए, जो डिसएग्रीमेंट होता है ना, उसको कोएग्जिस्ट करना ही होता है। ये बहुत बड़ी बात है कि आप चाहे घर में हों चाहे दोस्तों के साथ हों, सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं और अगर हम उस डिसएग्रीमेंट के साथ भी अपने रिलेशन के बॉन्ड को अच्छा बना के रख सकते हैं तो ये बहुत ही बड़ी बात होती है दोस्तों। जो दुनिया भर में अलग अलग मुद्दों पे लोग फाइट करते रहते हैं, वो चीज़ ख़त्म हो जाए अगर हम डिसएग्रीमेंट के साथ कोएग्जिस्ट करने के लिए लर्न कर लें। तो दोस्तों, आज के इस पॉजिटिव पॉइंट को अगर आप पसंद कर रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट में लिखकर बताइएगा। और आपने भी क्या नोटिस किया इस तरीके से, जो पॉजिटिव साइड इफेक्ट है कोरोना का, वो ज़रूर आप लिखिएगा कॉमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू, गुड बाय।